दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले भारत के मशहूर टी ब्रांड कंपनी वाघ बकरी चाय के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनकी ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हो जाती है। बताया जाता है कि वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और उसी समय कुछ स्ट्रीट डॉग्स हैं वो उनके पीछे पड़ गए और वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भाग रहे थे, जिनकी वजह से वो गिर गए और उनके सिर पर बहुत गहरा चोट पड़ गया। इसी प्रकार से कुछ ही दिन पहले गाजियाबाद शहर के एक 14 साल के लड़के की तड़प तड़प कर अपने पिताजी के गोद में मौत हो जाती है। यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ ही दिन पहले वो अपने पड़ोसी के कुत्ते से खेल रहा था जिसने उसको खरोंच दिया था, लेकिन वो लड़का डर के कारण अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बताया और एक महीने बाद उसके शरीर में रेबीज का जो इन्फेक्शन है वो फैल गया और उसके वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से उस मृत लड़के के घर वालों के ऊपर क्या गुजरी होगी ये तो वो ही बता पाएंगे कि ये कितना दर्दनाक रहा। दोस्तों स्ट्रीट डॉग्स के वजह से हमारे देश में हजारों बच्चों की जान जा रही है। इसमें सबसे मुख्य बात यही है कि इसके शिकार सबसे ज्यादा बच्चे ही हो रहे हैं और ये तो सिर्फ हमारे बच्चों के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। इन आवारा कुत्तों के डर के वजह से अब पेरेंट्स बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते, जिनकी वजह से उनकी जो शारीरिक और मानसिक विकास है उसमें रुकावट आ रही है। दोस्तों हमारी सोसाइटी का एक वर्ग जानवरों को जीने का अधिकार का पक्षधर है जबकि एक दूसरा पक्ष है जो सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ के साथ खड़ा है, लेकिन यहाँ पर सही कौन है? मेरी माने हमारे सोसाइटी को दोनों की जरूरत है और इस वजह से अच्छी बात यह है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसा है जिससे शायद दोनों ही वर्ग के लोगों को ये एक्सेप्टेबल हो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में स्ट्रीट डॉग्स कितनी बड़ी समस्या है, क्यों भारत में स्ट्रीट डॉग्स दिन ब दिन खूंखार हो रहे हैं, क्यों उनसे छुटकारा पाने का जो सबसे आसान तरीका लगता है यानी कि उनको मार देना ये हमारे लिए सबसे उल्टा और भारी पड़ने वाला उपाय हो सकता है, इसको कंट्रोल करने की साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं और क्यों हमारी गवर्नमेंट इतने दशकों तक हमारी सोसाइटी को स्ट्रीट डॉग्स के खतरे से हमें मुक्त नहीं कर पाई है, और इसके अलावा आखिर में देखेंगे कि कैसे कुछ फैशनेबल डॉग लवर्स की वजह से ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो इश्यू है उस पर बात करना हमें बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप इस वीडियो में लाइक बटन को प्रेस करेंगे तो YouTube को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा जिससे मेरी ये जो कोशिश है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। सो प्लीज हम एंटरटेनमेंट वीडियोस को तो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं लेकिन सोसाइटी के लिए जरूरी ये ऐसे वीडियोस को भी प्लीज लाइक कर दीजिए। हो सकती है वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन अगर हम अपने बच्चों और सोसाइटी के सेफ्टी के लिए कंसर्न है तो ये जरूरी है कि हम इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखें। दोस्तों आपने तेज चलती गाड़ियों के पीछे आवारा कुत्तों को भागते या अपने टेरिटरी में दूसरे कुत्ते को आ जाने से डॉग्स के बीच में आपस में लड़ाई होते हुए तो देखा ही होगा। ये जो सारे एक्टिविटी हैं वो दरअसल इन डॉग्स की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जिससे ये जानवर अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं और इसी वजह से उनकी जो जनरेशन है वो चलती जाती है। देखा जाए तो ये उनकी नैसर्गिक गुण है, लेकिन ये जो उनकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो तब खतरा बन जाती है जब जाने अनजाने ह्यूमंस को ही ये थ्रेट समझने लग जाते हैं। जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि बड़े हाइट्स के लोगों के सामने ये डॉग्स चुपचाप रहते हैं क्योंकि इनके लिए जो बड़े हाइट वाले लोग होते हैं वो इनको एक बड़े जानवर जैसे सोचते हैं और जिससे वो समझते हैं कि इनसे हम लड़ नहीं सकते, लेकिन जब उनके सामने बच्चे हो तो कई बार वो उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी साइज छोटी होती है जिनके वजह से डॉग को लगता है कि वो इजिली उन पर डोमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में डॉग बाइट से होने वाले रेबीज डेथ अराउंड 20,000 पर ईयर है। ग्लोबली ये जो फिगर है वो 55,000 तक की है। दैट मींस लगभग एक तिहाई रेबीज से जो मौत होती है वो अकेले एक साल में भारत में ही हो रही है। वैसे देखा जाए तो 99% ऑफ टाइम ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन बात जब उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर आती है तो वो एक मूक जानवर है और वो उसी प्रकार से रिएक्ट करते हैं जैसे कोई जंगली जानवर अपने बचाव के लिए करती है। जब स्ट्रीट डॉग्स बहुत समय से भूखे रहते हैं या उनको कोई रहने के लिए शेल्टर नहीं मिलता तब वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और साथ ही साथ दिक्कत ये है कि स्ट्रीट डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है जिसके वजह से सारे डॉग्स के लिए भोजन मिल पाना आसान बात नहीं होता। साल 2015 के आसपास के सेंसस रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय भारत में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन लेटेस्ट आंकड़े बता रहे हैं कि इनकी संख्या देश भर में 6 करोड़ हो गई है यानी कि अब ये डबल हो चुकी है। इस वजह से उनको खाने की कमी और ज्यादा हो रही है और जिसके वजह से स्ट्रीट डॉग्स अक्सर भूखे रहते हैं और कई बार इस भूख की वजह से वो बच्चों पर हमला करके उनको नोच नोच कर खा डालते हैं। हमारे देश में ऐसे कई एग्जांपल अमूमन हमें हर हफ्ते अपने अखबार में
पढ़ने को मिल जाता है, जहां बच्चे को कुत्ते के हमले से या तो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या फिर उनकी मौत तक हो जाती है। तो यहां पर सवाल उठता है कि इसको रोका कैसे जाए। अब क्योंकि ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो हमारे बच्चों के लिए अगर खतरा है तो हो सकता है डॉग हेटर्स यानी जिन लोगों को डॉग से नफरत है उनको एक एक्सक्यूज मिल जाए कि ये कुत्तों को जो खाना खिलाते हैं यानी कि डॉग लवर्स उनकी आलोचना करें। दरअसल बात यह है कि जब कुत्तों का पेट भरा होता है तो चांसेस ये है कि उनका एग्रेसिव बिहेवियर कम हो जाए और वो ह्यूमंस को थ्रेट कम फ्रेंड्स ज्यादा माने। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अपनी गाड़ी को उन कुत्तों पर चढ़ा देते हैं या फिर उनको मारने की कोशिश करते हैं तो उनको ये एक सिग्नल जाता है कि ह्यूमंस उनके लिए थ्रेट हैं और वो उसी हिसाब से रिएक्ट करने लग जाते हैं। स्ट्रीट डॉग्स की इन समस्याओं की वजह से आम लोगों को लगता है कि इनसे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका ये है कि उनको मार दिया जाए और इस वजह से बहुत सारे लोग इनको मारने के बहुत सारे इनह्यूमन तरीका अपनाते हैं। दुर्भाग्यवश कई लोग इनको पीट पीट कर तो कई लोग इनको जहर देकर मार देते हैं। यहाँ पर आश्चर्य की बात तो ये है कि कई बार म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स भी यही तरीका अपनाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उन कुत्तों को मारना इस समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे कुत्तों को एक साथ मारना तो वैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि कैसे ये जो कुत्ते होते हैं वो अपने टेरिटरी की रक्षा करते हैं, लेकिन जब कुत्तों को मारा जाता है तो उनकी टेरिटरी खाली हो जाती है और नए कुत्ते वहाँ आकर रहने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के जो हमें डॉग्स हैं वो हमेशा एक टेररिज्ड रहते हैं क्योंकि वो समझ चुके रहते हैं कि ह्यूमंस उनको कभी न कभी मार सकते हैं, इसलिए वो ह्यूमंस के प्रति और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने सेल्फ डिफेंस में वो ज्यादा ह्यूमंस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों स्ट्रीट डॉग्स को मारकर खत्म करने की बात सोचना भी सबसे बड़ी भूल होगी। इनफैक्ट इससे डॉग अटैक्स की घटना बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों दुनिया भर में डॉग पॉपुलेशन को नियंत्रण में रखने का सिर्फ एक ही साइंटिफिक मेथड है और वो है एबीसी प्रोसेस। एबीसी प्रोसेस यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसमें कुत्तों को स्टरलाइजेशन यानी उसकी नसबंदी की जाती है ताकि वो और बच्चे पैदा ना कर सके, और साथ ही साथ उन स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेट किया जाता है जिसके वजह से उनमें रेबीज के जो संक्रमण है वो ना फैल पाए। भारत के कुछ शहर जैसे कि साउथ मुंबई हो गया, वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग, विशाखापट्टनम और चेन्नई और जयपुर के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर इन एबीसी प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है। थ्योरी यह है कि एबीसी प्रोग्राम के तहत किसी भी एरिया के 70% स्ट्रीट डॉग्स का अगर नसबंदी कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र के स्ट्रीट डॉग्स की जनसंख्या स्थिर हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ मुंबई के 90% स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेट और स्टरलाइज किया गया था। इस एफर्ट की वजह से वहां स्ट्रीट डॉग्स दिखना लगभग बंद हो चुका था। गोवा में एवरेज 17 ह्यूमन रेबीज केसेस हर साल रिपोर्ट किया जाता था। फिर गोवा सरकार ने मिशन मोड में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जिसमें मैक्सिमम डॉग पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का टारगेट किया गया। नतीजा ये हुआ कि साल 2018 से साल 2022 तक गोवा में कोई भी ह्यूमन या फिर डॉग रेबीज के केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। कहने का मतलब सॉल्यूशन सिंपल है कि किसी भी एरिया के एटलीस्ट 70% कुत्तों को पकड़िए, उनकी नसबंदी करिए और उनको रेबीज वैक्सीनेशन दीजिए और फिर वापस उस एरिया में छोड़ दीजिए। यहां पर समझना जरूरी है कि उनको नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उस एरिया में वापस छोड़ना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नए जो डॉग्स हैं वो उस जगह को अपनी टेरिटरी बना लेंगे, जिसके वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो जस की तस रहेगी। ये जो एबीसी प्रोसेस है ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन टेक्निक है कि जिससे ये जो समस्या है वो धीरे धीरे हल हो जाती है। वैसे सुनने में ये जो एबीसी प्रोसेस का जो उपाय है वो बहुत ही सरल दिखता है, लेकिन हमारे नेताओं के लैक ऑफ कमिटमेंट, हमारे म्युनिसिपैलिटीज में बैठे सरकारी बाबुओं की करप्शन की आदत, एनजीओस की घालमेल और कुछ हद तक हम पब्लिक का इस मैटर पर लैक ऑफ नॉलेज ने इस सरल उपाय को भी कठिन बना दिया है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत बड़ी फैक्टर है जिसकी वजह से एबीसी प्रोग्राम का सबसे बड़ा रुकावट बना हुआ है। हमारे मॉडर्न सोसाइटी की एक खास फैशन है जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा रही है। ये फैशन है प्योर ब्रेड डॉग्स पालने का। बाहर के कुत्तों को खाने के लिए भोजन नहीं है, उनको रहने के लिए शेल्टर नहीं है, पर हम सब शोरूम से प्योर ब्रेड डॉग्स को ही खरीद कर लाते हैं। ये एक हिसाब से स्टेटस सिंबल बन गया है कि किन के पास ज्यादा हाई क्लास ब्रेड के डॉग्स है। इस वजह से हम महंगे से महंगे प्योर ब्रेड डॉग्स को खरीद कर लाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि प्योर ब्रेड डॉग्स की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी ज्यादा रहती है और कई बार लोग इसको शौक शौक में ले तो आते हैं लेकिन इसको एफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो बाद में इसे बाहर छोड़ देते हैं, जिससे स्ट्रीट डॉग्स की जो पॉपुलेशन है उसमें और इजाफा हो जाता है। कई बार लोग जब उनके पेट्स के बच्चे होते हैं तो वो इनको भी बाहर छोड़कर आ जाते हैं, जिससे जो स्ट्रीट डॉग्स की संख्या है वो और बढ़ने लग जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोस्ट ऑफ द जो रेबीज इन्फेक्शन जो ह्यूमंस को होता है वो पेट डॉग से ज्यादा होता है, क्योंकि लोग तो बाहर के स्ट्रीट डॉग से सावधान रहते हैं लेकिन
लेकिन वो पेट डॉग्स को सुरक्षित मारकर उनकी खरोच या बाइट्स को सीरियसली नहीं लेते। जबकि सच ये है कि महंगे वैक्सीन के कारण कई पेट ओनर्स उनको वैक्सीनेट ही नहीं करते, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए आज हमारे फैशनेबल सोसाइटी को अगर पेट की नीड है तो वो कम खर्च वाले स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करे, न कि महंगे प्योर ब्रीड्स की शॉपिंग करे। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग शहर के जैसे एनिमल शेल्टर बनाए जाए, ताकि अगर कोई अपना पेट वहाँ पर छोड़ना भी चाहे तो वो उस खुले रास्ते के बजाय उस एनिमल शेल्टर में छोड़ कर आए। इसके अलावा जब तक हमारी गवर्नमेंट इस पर सीरियस एक्शन नहीं लेती है, तब तक एज अ सिटीजन हमें अपने आसपास के जानवरों के वेलबींग का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उनके साथ संवेदना रखेंगे तो उनकी जो एग्रेसिवनेस है वो कम होगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि वो भूखे न रहे और सर्दियों के समय उनके शेल्टर्स की पर्याप्त व्यवस्था रहनी चाहिए। दोस्तों, अंत में इस समस्या का पूरे सोसाइटी लेवल पर ही हल निकालने की जरूरत है। अनडाउटेडली स्ट्रीट डॉग्स ह्यूमंस और स्पेशली हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इसका हल उनसे नफरत करके नहीं बल्कि उनसे संवेदना दिखाकर और हमारे पॉलिटिशियन को इसके लिए ध्यान आकर्षित करके किया जा सकता है। जब कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बन जाती है तो वो सक्सेसफुल होकर ही रहती है। जैसे कभी संभव न दिखने वाला स्वच्छ भारत अभियान आज की हमारे सोसाइटी के सामूहिक प्रयास का सबसे सफल उदाहरण है। दोस्तों, आज के ये वीडियो टॉपिक मेरे आम टॉपिक से थोड़ा अलग था, लेकिन मैं YouTube के माध्यम से अपने मन की बात करने का प्रयास करता हूँ जो हमारे सोसाइटी के लिए मैटर करता है। इसलिए अगर ये एफर्ट आपको वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक बटन दबाकर YouTube को एक पॉजिटिव सिग्नल दे दीजिए, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।